फिल्म बागी 3 की शूटिंग इन दिनों जयपुर में चल रही है। फिल्म जयपुर के तमाम लोकेशन पर शूट की जा रही है। लगभग 3 दिनों से चल रही फिल्म की शूटिंग के कई हिस्से जयपुर की नई लोकेशन पर शूट किए जा चुके हैं। वहीं बात करें सोमवार की, तो यहां शूटिंग के दौरान एक नजारा ऐसा भी देखने को मिला जिसे देखकर लोग एक बार तो चौंक गए। जी हां, शहर के परकोटे में स्थित जलेबी चौक पर एक सीन में पुलिस टाइगर को हथकड़ी पहनाते नजर आई और पुलिस की टाइगर के साथ कुछ देर बहस भी चली। उसके बाद टाइगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जीप में बिठाया। इस दौरान टाइगर के साथ उनके को एक्टर भी मौजूद रहे। इस सीन को देख सैकड़ों की तादाद में वहां मौजूद लोग एक बार तो भौचक्के रह गए, लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर ने कट बोला तो लोगों को माजरा समझ में आ गया। इसके बाद लोग वहां जोर जोर से चिल्लाकर टाइगर श्रॉफ का अभिवादन करने लगे। वहीं टाइगर ने भी अपने फैंस को नाराज नहीं किया और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। आपको बता दें, इससे पहले शहर के त्रिपोलिया गेट पर फिल्म के कई सीन फिल्माए गए। इस मौके पर जहां टाइगर बिना हेलमेट 2-व्हीलर चलाते नजर आए, तो वहीं रितेश देशमुख पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आए। पिंक सिटी में चल रही शूटिंग का कुछ हिस्सा सिसोदिया रानी के बाग में फिल्माया जाना है, जिसको लेकर आज तैयारियां भी चल रही है। स्पेशल डेस्क नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।